ऐसे ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, इन्हीं तक कोई ऐसा संदेश नहीं है। कांग्रेस ने ही तो निकाली है योजना, देखो आप हमारे पास फॉर्म है लोगों के लिए, ये देखो सारी लेडीज आई है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं नहीं, ऐसे कोई सूचना नहीं है, मैं कोई नोटिस नहीं, यानी कि ये फर्जी है, ये सब फर्जी है, ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है, वोट इकट्ठे का ये बनाया है, और जब कोई फॉर्म निकलता है तो कोई ऐसे लोगों नहीं आता है। ये देखो इस पे तो राहुल गांधी का भी फोटो, कांग्रेस का पंजाबी छपरा है, फॉर्म पे कोई ऐसा फोटो नहीं है, कोई फिर भी जब बीजेपी निकाला था तब भी फोटो नहीं था। ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं, और आप देखिए चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे फलाना देंगे, दो दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आपके जो बहन आपके जो देखो ये कांग्रेस पार्टी है, अगर आप कांग्रेस पार्टी को जिताकर लाते हो तो कांग्रेस ने स्कीम निकाली है नारी न्याय के तहत, जो है ना कांग्रेस गरीब परिवार की एक महिला को 8500 रुपए हर महीना देगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हाथ खुला हो, आपको किसी के आगे मांगना ना पड़े, तो कांग्रेस को विजेंद्र सिंगला जी को सपोर्ट, बाकी जो आपके यहाँ पर लोग रहते हैं उनको बताइए कि हर महिला को 8500 रुपया महीना मिलेगा अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा।